तो भाई कैसे हो आप सब। मैं ऐसे करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो सुबह का सूखा चारा फार्म के अंदर डाल दिया है और अपनी गाय अभी खा भी रही है। बाकी दो तीन गाय नहीं खा रही, लेकिन वो भी खाएंगी। अभी फ़िलहाल दो तीन गाय खड़ी, बाकी कुछ गाय सूखा चारा अभी अच्छे से खा रही है। और छोटा भाई फार्म के अंदर जो गोबर है थोड़ा बहुत, वो अभी निकाल रहा है बाहर। और इस साइड में राम जी और लक्ष्मी दोनों बंधे हुए हैं, और इन दोनों का चारा आ चुका है, लेकिन रखना बाकी है। और सामने टब में रखा हुआ है, जो कि अभी इन दोनों को रखना है। तो इन दोनों को चारा रख देंगे। और चुटकी और चुटकू भी सुबह में आ चुके हैं, तो इनको भी चारा मैंने डाल दिया है। सामने अपने चारों छोटे शैतानों को भी चारा मैंने दे दिया है, और उन्हीं के पास लक्ष्मी भी चली गई है, तो उनका काम हो चुका है। और लखन सामने रहे, ये रहे देखो सामने, जो कि घूम रहे यहाँ वहाँ। बाकी सामने वाले खेत में कल और परसों 2 दिन पानी चला है, तो उधर खेत में भी जा रहे, गीले पैर हो जा रहे मिट्टी के, और फसल का भी नुकसान हो रहा है। गोरी भी खुली है, लेकिन गोरी को मांस लगा दिया, इसलिए ये फसल नहीं खा पा रही। बाकी उसको कोई दिक्कत नहीं, खेल कूद कर सकती है लखन के साथ, लेकिन चारा नहीं खा सकती। बाकी इस साइड में लखन, लखन को तो मांस रहता ही, और कोई दिक्कत नहीं चारे की उसको। और दवा भी उसको देनी थी, जो कि 2 दिन पहले उसको दवा कर दी थी। बाकी गोलियां थी, जो कि 2 दिन से चल रही थी। आज गोलियां नहीं, आज मतलब कल शाम की आखिरी थी। अभी फ़िलहाल कोई दवा देनी नहीं है लखन को, और जो आरती की माँ है उसको दवा चल रही है। तो आज भी डॉक्टर साहब आने वाले हैं, आज भी कुछ इंजेक्शन और दवा है जो कि हमें देनी है। बाकी सुबह वाली उसको दवा दे दी है, शाम वाली बाकी है, जो कि शाम को मिल जाएगी। और इंजेक्शन जो है जो डॉक्टर साहब आने के बाद लगा देंगे। बीमार कबूतर फार्म के अंदर ही है, और मैंने कल उसको दवा दी थी, आज भी देनी, लेकिन दोपहर को देंगे। तो जो सुबह की उसकी खुराक है मैंने डाल दी है, जो कि वो खुद से थोड़ा बहुत खा लेगा। दोपहर को तो मैं हाथों से खिला ही देता हूँ, लेकिन वो खुद से भी अभी थोड़ा बहुत खा लेता है। तो यहाँ के जो काम हो गए हैं सारे, इन दोनों को चारा रखने के बाद सीधा जाना है उस वाले फार्म की सफाई के लिए। तो अभी डॉक्टर साहब आ चुके हैं, तो अभी निकाल लेते हैं हम आरती की माँ को बाहर। तो अभी डॉक्टर साहब ने आरती की माँ को दवा दे दी है, अभी आरती की माँ को वापस से फार्म के अंदर छोड़ देते हैं। लेकिन जो एक इंजेक्शन था, जो कि डॉक्टर साहब के पास अवेलेबल नहीं था, और अपने गांव में भी पूछताछ की मेडिकलों से, तो उधर भी नहीं, तो बाहर गांव से लेके आना पड़ेगा, जो कि अभी चाचा जी गए हैं लेने के लिए। और वो यहाँ पे इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वो थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का है, और अपने डॉक्टर साहब को बोला कि आप क्यों नहीं रखते, तो बोलते कि इसकी ज़रूरत बार बार नहीं होती। तो बहुत कम केसों में केसेस में इसकी ज़रूरत होती, तो कि हर कोई नहीं रखता, थोड़ा महंगा भी है। तो चाची जी गए अभी लेने के लिए, तो वो आने के बाद एक तो हम खुद से दे देंगे, या फिर डॉक्टर साहब आएंगे देने के लिए, जो कि बात का देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल इसको अंदर छोड़ दो, गाय के भी छोटा भाई गया है खेत में गाय चराने अपने खुद के, तो इसको छोड़ के मैं जाता हूँ, और उसको फार्म पे भेजना है वापस। तो अभी सामने खेत में अपनी गाय चर रही है, और गाय चराने के लिए छोटा भाई आया था, और छोटे भाई के साथ गोरी भी आई थी, जो कि अभी दोनों जा रहे हैं वापस फार्म पे, क्योंकि छोटा भाई आया था इनको वापस घुमाने के लिए। तो गोरी भी साथ साथ आ गई थी उसी के साथ, और यहीं पे रुक के जाने रही थी। तो अभी छोटा भाई जा रहा है, तो उसी के पीछे पीछे गोरी भी फार्म पे वापस जा रही थी, तो वहीं पे रहेगी। मांस अभी भी है, अभी तो कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे तो चारा खाएगी और कुछ मिट्टी तो खाती नहीं, लेकिन फार्म पे जाने के बाद वो फसल में दो जो चारा नहीं खाना वो भी खा लेती, इसलिए मांस लगा के रखा है। तो अभी जा रहे दोनों साथ में, और ये भी इधर ही मेरी तरफ आ रहे, तो मैं यहीं बैठा हूँ, यहीं से वापस चला जाऊँगा। तो अभी सभी छोटे चारों शैतानों को बंद कर दिया है सेफ्ट रूम के अंदर, बाकी ये दो शैतान बाहर हैं, और वो चार शैतान भी बाहर है। सिर्फ छोटे चार शैतानों को सेफ्ट रूम के अंदर बंद किया है। तो अभी हम जा रहे हैं घर पे थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बाद वापस आना है, तो इसलिए बंद कर दिया इनको। अभी चलते हैं घर पे, थोड़ी देर बाद वापस आएंगे। तो भाई अभी सीधा घर से आने के बाद हम ये मशीन लेके आए घर से साथ में, तो अभी निकाल रहे हैं मूंगफली। तो इतना बड़ा ढेर है 2 एकड़ का, तो अभी बज रहे हैं 3 बजे मशीन चालू की है, तो अभी हमें कितने टाइम तक निकालनी पड़ती है वो अभी देखते हैं। मशीन चालू हो गई है, पिताजी और छोटा भाई मशीन के अंदर मूंगफली ले जाके डाल रहे हैं, चाचा जी भर रहे और मम्मी जी भर रही है,
थोड़ी देर बाद मैं जाऊंगा, जब तक वीडियो बना रहा हूँ तब तक मम्मी जी भर रही, साइड में चाची जी और छोटी बहन जो कि मूंगफली उठाने का काम कर रहे हैं उस साइड में। अभी 30% मूंगफली बाकी है निकालनी और 70% निकल चुकी है, जो कि अभी मशीन इसलिए रोकना पड़ रहा है क्योंकि अभी जो चारा है मूंगफली का जो पत्ती निकलने वाली उस साइड में जगह नहीं है और अपने मशीन के नीचे मिट्टी भी आ चुकी है। देखो दोनों टायर के बीच में बहुत सारा ढेर हो चुका है यहाँ पे अंदर, तो मशीन को अभी इस जगह पे लगाना है। तो इस जगह की जो जगह की जो मूंगफली वो सारी उठा ली है, इस जगह पे अभी ये मशीन लगी गई है। देखो यहाँ पे बहुत सारी पत्ती आ गई, तो अभी इस जगह पे निकालने के लिए पत्ती के लिए जगह नहीं है, तो मशीन को अभी रोक दिया है। मशीन की जगह चेंज कर देंगे इस जगह, फिर 30% बची हुई निकालेंगे। तो बहुत सारी जगह की हमने निकाली और आज मशीन में कोई भी दिक्कत नहीं आई, ठीक से तरीके से चल रही थी और मशीन को ज़्यादा तेज हम मूँगफली नहीं डाले थे तो सही चली, अगर ज़बरदस्ती ज़्यादा डाल देते तो बार बार मशीन बंद पड़ी थी, तो बंद ना पड़ी इसलिए स्लोली स्लोली चला रहे थे। और ट्रॉली फुल हो जाएगी आज मूँगफली की, 2 एकड़ की फुल ट्रॉली भर जाएगी। अभी जो पहले निकली है वो भी सूख रही है, इसको भी दूसरी जगह खाली करेंगे, लेकिन हम पहले भी फिलहाल ट्रॉली में ही इकट्ठा कर रहे हैं। तो अभी मशीन की जगह चेंज होगी और मशीन फिर से चालू हो रही है। इतना सारा ढेर साइड में निकल चुका है, इतना बाकी है जो कि अभी पूरा निकल जाएगा चालू होने, तो फिर हम करेंगे काम शुरुआत। हो गई मशीन शुरू, चाचा जी काम चालू करना चाहते हैं, अभी मैं भी करता हूँ और इस काम को पूरा कर देता हूँ। सुमन और सकाराम अभी यहाँ पे चारा खा रहे और शाम के अभी बज रहे 6, बाकी कुछ सामने खा रहे और सामने की जगह उस वाले फार्म से चारा लेके आए वो डाला है अभी पिताजी, वो सामने अभी डाल के आए और चाची जी लेके आने वाले, और इस जगह पे वेस्टेज और वेस्टेज में कुछ चारा अच्छा वाला डल चुका है जो कि अभी ये खा रहे। तो अभी मूँगफली निकली और सीधा इधर इनको चारा खिलाने के लिए अभी छोड़ा है 6 बजे, नहीं तो ये 3 बजे खुल जाते थे, लेकिन 3 बजे हम मूँगफली निकाल लेते, अभी 5 बजे तक निकली, अभी 5:30 बजे तक जो बाकी वो सारे काम निपटा के अभी इधर आए, अभी बजने वाले 6, तो आधा घंटे तक यहाँ पे जो चारा डला ये खाएंगे, अगर पेट खाली रहेगा तो सीधा फार्म के अंदर और थोड़ा डाल देंगे, अगर इससे हो जाएगा तो ठीक है। अभी उस वाले फार्म पे भी बहुत सारे काम बाकी है इसलिए यहाँ पे कोई भी एक जन रुकेगा, अभी मैं जा रहा हूँ उस वाले फार्म पे, वहाँ पे भी बहुत सारे काम बाकी जो कि अभी हमें करने हैं। तो इतनी मूँगफली साइड में निकाली है क्योंकि इसमें मिट्टी है थोड़ी जो कि हमें साफ़ करनी पड़ेगी, इसलिए इसको साइड में डाला है, और इसमें थोड़ी मिट्टी है और थोड़ी लकड़ियाँ है जो कि साइड में डली है, और इसमें ज़्यादा ही लकड़ियाँ हैं तो ये थोड़ी साइड में डली, तो ये और ये इन तीनों को साफ़ करना पड़ेगा तभी एक साथ डल पाएगी। और ट्रॉली हो चुकी है पूरी फुल, ये देखो तो जो ट्रॉली के अंदर अभी मूंगफली है ये 2 एकड़ की है जो कि फुल हो गई है ट्रॉली, ये देखो सारे कोने एक जैसे फुल भरे हुए हैं, तो एकदम सही तरीके से मूंगफली निकली है। बाकी इतनी जो नीचे ये अगर डलेगी तो नीचे गिरने लग जाएगी ये हवा, सही तरीके से मूंगफली अच्छी खासी खेत में से आई, रिजल्ट अच्छा आया खेत का, और 1 एकड़ का जो कि अभी नीचे डली, तो 3 एकड़ की मूँगफली ट्रॉली और नीचे डली इतनी है। और तो भी ये 2 एकड़ का चारा है यहाँ पे जो कि कल सुबह हम रोटेटर से इकट्ठा करेंगे ढकने के लिए, अभी तो पूरा फैला के पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसको इकट्ठा करने का काम है।
और जो बाकी मूंगफली नीचे गिरी होगी मिट्टी में, बाकी हमने झाड़ू लगा के इकट्ठा करके मशीन में डाल दी थी, जो थोड़ी बहुत रह गई होगी जो अभी मम्मी जी इकट्ठा कर रही। और जो दाने होंगे वो तो हमने इनके लिए छोड़ दिए, ये देखो ये अपनी सेना लग चुकी है अपने काम पे, जो कि पहले दूरी के जो दाने वो उठा के लेके आएंगे, फिर बाकी बच्चे यहाँ के पास के उठाएंगे, तो उनका काम है वो दाने उठाने का, वो कर लेंगे। कुछ इसमें भी है दाने, इसमें कुछ चारा है और थोड़ी मिट्टी है जो कि हम उस वाले फार्म पे डाल देंगे, मिट्टी होगी वो नीचे चली जाएगी, चारा उस वाले फार्म के खा लेंगे, बाकी ये जो चारा है ये यहाँ पे अंदर भर देंगे। और जैसे ही मशीन काम कर रही थी उसी टाइम में हम चारा खेत में से लेके आ गए और कुट्टी भी कर ली। एक जन इस काम में लग गए थे क्योंकि लाइट चली जाएगी तो फिर आज भी कुट्टी नहीं हो पाती, इसलिए हमने सुबह ही चारा काट के रखा था जो कि अभी कुट्टी करके पड़ा हुआ है। फार्म के अंदर है बहुत सारा गोबर जो कि अभी हमें उठाना है, गाय भी बांधनी है, गाय बांधने के बाद फिर खुराक भी रखनी है। और बीमार कबूतर को आज सुबह से ना मैंने खुद से उसको खिलाया है और ना ही दवा दी है, तो ये काम अभी मुझे करना पड़ेगा, खाना भी उसको खिलाएंगे और दवा भी देंगे पानी भी पिलाएंगे। खुद से वो थोड़ा बहुत कर रहा है लेकिन जो मैं करता हूँ वो बाकी है जो कि मैं भी कर दूंगा। तो करते हैं फटाफट से सारे काम, सेप्टून के अंदर चारों शैतान हम दोपहर को ही बंद करके घर पर गए थे जो कि उनको भी निकाला नहीं क्योंकि मूँगफली वाले काम आज अर्जेंट थे, तो वो सारे अंदर ही है, तो बाहर वालों को चारा और पनिया काम हो गया था, अंदर वाले बाकी है। तो करते हैं अभी सारे कामों की शुरुआत। तो अभी छोटे चारों शैतान आ चुके हैं फार्म के अंदर और उन्हीं के साथ दो छोटे लखन और गौरी, जो कि अभी लखन भाई सबको जाना है दूध पीने, तबीयत अच्छी खासी रिकवर हो गई, अभी दूध भी अच्छा पी लेते हैं और भाग दौड़ भी अच्छी कर लेते हैं। पहले दूध कम पीते थे और भाग दौड़ भी नहीं करते थे, तो तबीयत अब ठीक हुई तो सब सही हो गया। सामने गौरी, गौरी का तो सब सही था, उसको कुछ हुआ ही नहीं। और बाहर में राम जी और लक्ष्मी, दोनों की खुराक खानी हो गई, गौरी ने थोड़ी खाई और खुराक खाने के बाद अंदर आ गई। सेप्टून के अंदर दो तीन जगह चारा और एक जगह पानी रख दिया है, फार्म के अंदर हरा चारा शाम का डल चुका है, अभी दूध निकालने का बाकी है। राजा टैंक में रहने वाला है और एक गर्दन टेढ़े हुए भाई साहब जो कि थोड़ी देर बाद घर के अंदर बंद करेंगे, अगर अभी से रख दिया तो दूसरे उसके घर में जाते और उसको चोच मारते, तो अभी देखो ये एक दूसरे को भगा रहे, अंदर आने नहीं दे रहे, तो उनका भी घर का काम जल्दी ही करना है अलग अलग, क्योंकि अभी उनमें तीन मंजिला उनकी बिल्ड घर है, तो तीन मंजिलें पूरी तैयार करनी है, एक दिन टाइम मिलेगा तो अलग 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 कर देंगे। और अभी ये भाई साहब थोड़ी देर बाद उसके घर में जाएगा, तो अभी करते हैं दूध निकालने की शुरुआत। सारे काम बहुत सारे आज काम निपट लिए, तो ये थे हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।